बाबा साहब की जयंती भी साथ है। ये दोनों चीजें का ख्याल रखते हुए हमारे विश्वास साहब, विश्वास जी, गायकवाड़ साहब, आपने ये दोनों चीजों का ख्याल रखते हुए ये प्रोग्राम रखा है, क्योंकि आज बाबा साहब की जयंती भी है और रमजान का महीना भी खत्म हुआ है और ईद भी है। तो ये सोचते हुए आपने ये कव्वाली का प्रोग्राम रखा और यहाँ के लोगों का मैं तमाम जितने भी जिन लोगों ने इसमें साथ दिया, योगदान दिया, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके इस कराइट में मेरा ये पहला प्रोग्राम है। वैसे मैं नीरज सांगली इधर वगैरह सब मतलब मैंने प्रोग्राम दिया है, लेकिन कराइट में हमारे विश्वास साहब का मैं बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि कराइट में इन्होंने मुझे यहाँ पेश किया। और गायकवाड़ साहब का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, चाहे वो कव्वाली फील्ड के सिंगर हों या मराठी फील्ड के सिंगर हों या भजन गाने वाले हों, तमाम मुंबई के म्यूजिशियन और आर्टिस्ट हमारे विश्वास गायकवाड़ साहब को जानते हैं और इनकी मोहब्बत है जो आज इन्होंने मुझे यहाँ पेश किया, मैं वापस से शुक्रगुजार हूँ। और लीजिए, प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ। आप सभी हजरात से मेरे हिंदू मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि बहुत सुकून और अदब के साथ में इस प्रोग्राम का लुत्फ लीजिए। इंशाल्लाह मैं सब कुछ सुनाऊंगा। लीजिए, प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ। समझ पर
जमे हजरत अब्बा उठाने वाले या जगह ले लें और जरा महफिल में आप लोग जरा जान डालें तो मुझे भी जरा जोश आएगा कि वली मौला अली के गुलामों से तो मुझे चाहूंगा कि वली कुतुबो कलंदर इमाम होते हैं। वली कुतुबो कलंदर इमाम होते हैं हर एक दौर में सब एहतराम होते हैं और उन्हीं के हाथ में दोनों जहां की दौलत है जो लोग मौला अली के गुलाम होते हैं। मौला अली के गुलाम होते हैं। हाँ भाई मौला अली के चाहने वालों से तो मैं जाऊंगा और मेरे साथ में गुनगुनाएं अली 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 ओ मौला अली अली 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 मौला अली 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 कौन कौन जा रहा है मेरे साथ में अब आप लोग नहीं बोल रहे मन कुंद को मौला आवाज नहीं आ रही नहीं भाई आप लोग दीवाने नहीं है कव्वाल तो दो मिनट में पब्लिक का इम्तिहान ले लेता है कि कितने जाने वाले बैठे मन कुंद दो मौला मन कुंद दो मौला बापू दे काबा काबे में विलादत आगोश नबी ने आंखों को खोला आंखों को खोला ये रास तुम्हारा मैं हक का वली हूँ अहमद का वसी हूँ सारे जहां में आप ही अफजल हो या अली प्यारे नबी की आंख का काजल हो या अली इस मरतबे को कोई समझ पाए किस तरह चौथे खलीफा हो कभी अफजल हो या अली मन को बोला एक बार और हो जाए क्योंकि जितना अली का विरोध करेंगे जो अली अली बोलेगा अली का नाम लेने वाले वली हो गए वली अब इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मन कुंद दो मौला माबूदे काबा काबे में विलादत आगोश नबी ने आंखों को खोला ये राज तुम्हारा मैं हक का वली हूँ अहमद का वसी हूँ सबको नबी ने काबे में बुलाया फुटवाया और ये फरमाया वो तेरा दुश्मन अले वो मेरा दुश्मन अले वो तेरा दुश्मन अले अली अली राजा बदला अली अली।
में बैठे हैं, और जो आज जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ और मुसलमान निर्दोष है, जो कहते हैं उनके लिए चारों से, क्योंकि बाबा साहब ने हमको बताया है, क्या बताया समझिए, है शिकले गिले जो भिन्नता जो नहीं देते, अपने उसे जो पिछड़े हैं गिरा जो नहीं देते, Thank you.
ना जाएंगे के बसों बदल जाएंगे सवार हो जाएंगे बदल जाएंगे Yeah.